हेलो गाइस, सो गाइस बिग बॉस जो है वो बहुत ही बुरे एक्सपोज हो चुके हैं। रिसेंटली हमने देखा भाई साहब इविक्शन में, मतलब कि तीन लोगों के नाम आए, लवकेश कटारिया, शिवानी कुमारी और भाई साहब आपको पता होगा विशाल पांडे। तो वहाँ पे मतलब कि उनका नाम तो आया और उसके मतलब कि नॉमिनेट होने वाले थे, उससे पहले 10 मिनट पहले मतलब कि इविक्ट कर दिया वो भी विशाल पांडे को। और उन्होंने पोस्ट भी की थी भाई साहब बिग बॉस ने इंस्टाग्राम पर और मतलब कि ट्विटर पर वगैरह पर, जहाँ पर उन्होंने दिखाया कि विशाल पांडे मतलब कि नॉमिनेटेड होते ही 10 मिनट के बाद इविक्ट हो जाते हैं। तो उसको लेकर ये पता चलता है कि वहाँ पे बिग बॉस की स्क्रिप्ट तो जो थी वो मतलब लीक हो चुकी थी और उसकी वजह से बिग बॉस ने ऐसा किया और वहीं पे मतलब 10 मिनट के अंदर ही उनको इविक्ट कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पे मतलब कि बिग बॉस ने जो पोस्ट वगैरह की थी ट्विटर पर सभी जगह पर, उसको देखकर फैंस वगैरह जितने भी है लवकेश कटारिया के, शिवानी कुमारी के और उसके बाद एंग्री हुए एंड बिग बॉस ने रिसेंटली वो पोस्ट भी डिलीट कर दी। लेकिन उसके बाद उसके फैंस वगैरह जो हैं उनकी वजह से भाई साहब फिर से वोटिंग लाइन स्टार्ट हुई और विशाल पांडे का नाम भी बताया। अब उनमें से कौन नॉमिनेट जो तीन लोग हैं उनमें से कौन इविक्ट हो चुका है या फिर होगा ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। और सुनने में आ रहा है कि विशाल पांडे इविक्ट हो चुके हैं, तो इसको लेकर आपके ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। बाकी यार बिग बॉस की इस गलती पर जो आपने जब भी देखा रिसेंटली उन्होंने पोस्ट अपलोड की और उसके बाद डिलीट कर दी, क्या कहना चाहोगे कमेंट में जरूर बताना।